वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हिटमन। मैं हूँ सीमा। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा हेयर ऑयल। आप लोग को पता है बालों के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है। बहुत सारे लोग मेरे बालों के बारे में पूछते हैं कि आपके बाल वाइट हैं तो आप कौन सी मेहंदी लगाते हैं, कि आप अपने बालों में कलर करने के लिए, अपने बालों को छुपाने के लिए वाइट हेयर को क्या यूज करती। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें, हमारे जो बाल है वो वाइट है ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि मैं बालों में कोई कलर यूज नहीं करती हूँ। हाँ, हाईलाइट्स करती हूँ, मुझे बहुत पसंद था, अब नहीं पसंद है क्योंकि उससे मेरे एक दो बाल वाइट हो गए, ठीक है। बट मैं अपने बालों में जो केयर करती हूँ उससे मेरे बाल ठीक हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़े। वाइट हेयर हो सकता है कि आपको आपकी एज के टाइम पर आना शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए अगर हम बुढ़ापे को नहीं रोक सकते हैं तो हम अपने वाइट हेयर को भी नहीं रोक सकते। हाँ, थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको 10 साल के बच्चों के वाइट हेयर की समस्या हो जाती है ना। तो क्या करना होता है, हमें अपनी डाइट पर फोकस करना है, अपनी नींद पर फोकस करना है, अपनी डेली रूटीन पर फोकस करना है कि वो सारी चीज़ें अच्छे से रहें, व्यवस्थित रहें, जिससे कि आपके बॉडी पर, आपकी लाइफ पर, आपकी जो हेल्थ है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, हरी सब्जियां हैं, नट्स हैं, डार्क चॉकलेट है, ये सारी चीज़ें ऐड करनी। तो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ऑयल बेस्ट कौन सा है, बालों के लिए सबसे बढ़िया ऑयल कौन सा है जो सभी लोग यूज़ कर सके, बच्चे, बूढ़े और जो हम लोग हैं, जवान लोग हैं, सारे लोग यूज़ कर सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो ऑयल मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये ऑयल मैं भी यूज़ करती हूँ, बहुत बढ़िया ऑयल है, तिल का तेल बालों के लिए सर्वोत्तम है, बालों के लिए उत्तम ऑप्शन है अगर आप इस ऑयल को यूज़ करते हैं। देखिए फायदे इनके कितने सारे हैं वो बता देते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, इस ऑयल पर पूरा सीरीज क्रिएट किया जाए। मैं अपने बालों के लिए बहुत सारे ऑयल यूज़ करती हूँ, लेंथ के लिए अलग ऑयल यूज़ करती हूँ, स्कैल्प के लिए अलग यूज़ करती हूँ, ग्रोथ के लिए अलग यूज़ करती हूँ, स्प्रेडेंस के लिए अलग करती हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे इतने सारे ऑयल कैसे लेकर आएंगे। भाई अगर आप बहुत सारे नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 3 ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे तिल के तेल पर। हाँ जी, तिल के जो तेल होते हैं ना बहुत ही फायदेमंद होते हैं, इनके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं ये भी बताएंगे, इनके फायदे जान लेते हैं। वाइट हेयर को डिले कर देता है, आपके बालों की जो झड़ने की समस्या है वो रोक देता है, आपके हेल्थ को, आपकी जो हेयर की जो हेल्थ होती है उसको बूस्ट करता है, जिससे आपके बाल हेल्दी रहते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहती है, सन रेज यानी यूवी रेज से पड़ने वाली इस लेंथ पर या जड़ों पर जो इफेक्ट होता है उसको कम कर देता है, आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है, बालों को लंबे समय तक मॉइस्चराइज करके रखता है। आप लोग तिल का तेल जरूर यूज करें। ब्रांड आप कहेंगे तो ब्रांड आप यहाँ पर बहुत सारे तिल के तेल हैं। अगर आपके घर के आसपास कच्ची घानी से तेल मिलता है, तिल का प्योर, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल सभी चीज़ें मिलावट वाली हैं, कहते हैं कुछ होता कुछ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करूँगी, यहाँ पर कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन जब वीडियोज़ होती हैं तो उसके ऊपर लिख जाता है पेड प्रमोशन, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई तेल का ऐड करने नहीं आई हूँ, मैं आप लोग को सिर्फ बताने आई हूँ कि तिल का तेल कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे तेल हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, ये सबसे सस्ता माध्यम है आपका बालों को हेल्दी करने का। आप इस तेल से टॉनिक है, नाइट हेयर पैक है, सिरम है, अपने बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं, बहुत सारी हेयर की सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कस्टमाइज करके आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तिल के तेल से। अब इसमें जो जो चीज़ें लगेंगी, ऐसा तो है नहीं कि हम तिल का तेल ले लेंगे और तिल का तेल 10 कटोरी में डाल दें और ये बोल दें ये नाइट हेयर पैक है, ये टॉनिक है, ये सीरम है, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपको बनाना है तो इसके लिए भी जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आप लोगों को धीरे धीरे हम रिवील करते जाएंगे। मई में शुरू होने वाला है हमारा एक नया चैलेंज, जिसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि स्पेशली थिकनेस पे काम करेंगे हम और बालों की बॉडी पर, जिससे कि बाल बीच से ब्रेक ना हो तो चोटी आपकी मोटी बने, जिसकी चाहत आपको बहुत टाइम से थी। मेरी भी चाहत है कि जो मेरे बाल हैं वो और भी मोटे हो जाएं, लाइक रिस्ट की तरह हमारी चोटी हो जाए। काफ़ी हद तक मैंने इम्प्रूवमेंट किया है अपने बालों में और अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं बहुत अच्छा करने के लिए, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को तिल के तेल का गुडनेस बताया।
अब इनको यूजेस कैसे कैसे किया जा सकता है, जैसे तिल का तेल है, आप थोड़ा सा तिल का तेल ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा बादाम का तेल ऐड कर दीजिए और इसमें 2 से 4 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल यूज कर लीजिए और 10 बूंद के करीब रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। ये आपका बहुत ही बढ़िया सिरम बनकर रेडी है। इसको आप रात में सोने से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले लगा लें, उसके बाद मॉर्निंग में आप शैम्पू कर दें। अब आप सोचेंगे इसको लेंथ पे लगाएं या जड़ पे लगाएं। बालों की ग्रोथ कहाँ से होती है? स्कैल्प से होती है, नीचे से बाल नहीं लंबे होते। जब बाल लंबे होते तो वो नीचे चले जाते हैं। लोगों का कहना है बालों की जो ग्रोथ होती है वो यहाँ से होती है। नहीं, बालों की ग्रोथ आपके स्कैल्प से होती है, आपके टकले से होती है, और जब ग्रोथ होती है तो बाल नीचे जाते तो हमें लगता है कि हमारे बाल नीचे से लंबे हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया? जो आप सीरम बनाएंगे इसको 1 घंटा रखें, 2 घंटा रखें या ओवरनाइट रखें और रख करके मॉर्निंग में वॉश कर दें, बहुत हेल्दी हेयर मिलेगा आपको। दूसरा, अब आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए स्प्रेडेंस की समस्या है आपको बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आपका तिल का तेल 4 से 5 चम्मच, 3 चम्मच हनी और 6 चम्मच रोज वाटर और 1 चम्मच के करीब आपको दही डालना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, बालों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, उसके बाद इसको पूरे बालों पर लगाकर आधे घंटे रख दें, उसके बाद शैम्पू कर लें। बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स हैं, जब आप करेंगे तो ही आपको रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि करने से होता है। ठीक है, अब इनकी जो गुडनेस आपको हमने बताई कि इनकी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तिल का तेल अभी से लगाना शुरू कर दें हमारे जो बाल वाइट हैं वो क्या सही हो जाएंगे? तो नहीं, अगर आपके बाल वाइट हैं तो उनपे सिर्फ आप कलर चढ़ाएंगे। जैसे पुराना कोई घर होता है तो उसको हम लोग रिपेयर करते हैं किस तरीके से, वाइट वॉश करके, राइट? तो वाइट वॉश जब आप करते हैं तो आपका जो घर होता है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। वैसे ही हमारे बाल हैं, आप इंडिगो यूज कर सकते हैं, आप अपने बालों में आंवला रिछा शिका काई का प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ पर मैंगो सीड का पाउडर यूज कर सकते हैं, जटामासी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बालों को कलर करती हैं नेचुरल तरीके से, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट परमानेंट कोई कहे कि आपके बालों को ब्लैक कर दिया जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैंने आपको अपना बताया है, ठीक है, बाकी जो करता होगा उनके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप तिल का तेल प्रयोग में ले रहे हैं तो आपको एक फायदा और होता है ये कि जब आप तिल का तेल यूज करें, आपके बाल मान लीजिए 50 से 60 वाइट हो गए हैं और अभी आपको लगता है कि और हो जाएंगे, तो अगर आप अभी से अपना तेल चेंज कर देंगे तो आपके जो बाल है ना वाइट हो रहे हैं वो वहीं पर रुक जाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल का तेल आप लोग जरूर यूज करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। Bye.